मैं जोशी जी, फूड सप्लाई मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव जी, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, मुरारी मीणा जी, सुभाष गर्ग जी और विधायकगण रफीक साहब, बेन गंगा देवी, मनीषा पवार जी, चीफ सेक्रेटरी उत्तर शर्मा जी, हमारे सोशल एक्टिविस्ट निखिल डे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप रांका जी, समीर शर्मा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उपस्थित तमाम हमारे अधिकारीगण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी माताएं बहनें बुजुर्ग और तमाम जिलों से जुड़े हुए हमारे तमाम मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और इस पूरे प्रदेश के अंदर ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसको कोई चाहे तो पूरे प्रदेश के अंदर वो देख सकता, सुन सकता अपने मोबाइल फ़ोन पे भी। तो पूरे प्रदेशवासियों, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं मुख्यमंत्री निवास पर मुझे सौभाग्य मिला है तमाम जो सामाजिक सुरक्षा के हकदार हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, महिलाएं पुरुष, चाहे वो विधवा बहनें हैं या एकल नारी हैं, और चाहे वो हमारे निसर्गजन हैं, दिव्यांग भाई बहन हैं, उन तमाम लोगों का मैं इस मुख्यमंत्री निवास पर, ये निवास आपका ही दिया हुआ है, उस पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम जो है, ये जो संयोग से मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया एक साथ में, जो कभी होता नहीं है, एक पैर में हो सकता है, एक हाथ में हो सकता है, डॉक्टर कहते पहला केस है जहाँ दोनों पाँव में अंगूठों में फ्रैक्चर हो गया, एक में कंपाउंड हो गया है, नाक वाक वो नाखून सब उखर गए और एक में टुकड़े हो गए हड्डी के। ऐसा कभी नहीं होता है। मुझे लगता है कि एक संयोग ऐसा बैठा है, दौरे बहुत चल रहे थे मेरे राजस्थान भर में, तो कुदरत ने मुझे जो है भगवान ने कहा कुछ रेस्ट कर लो, आराम कर लो, इसीलिए लगता है मुझे कि आज ये भी हुआ है। और अगर ये फ्रैक्चर नहीं होता तो मैं प्रोग्राम घर पे करने के बजाय के लिए हॉल में करता। हॉल में करने के अलग मायने हैं और घर पे करने के अलग मायने हैं। तो मुझे सौभाग्य है कि आज मुझे घर पे आप लोगों के दर्शन करने का और आप लोगों को रूबरू होने का सौभाग्य मिला, इस बात की मुझे खुशी भी है। और मैं इन बातों से घबराने वाला भी नहीं हूँ। मैंने देखा, मैं जो व्हील चेयर पर चल रहा हूँ तो मेरे कितने भाई बहन जो है जिंदगी भर व्हील चेयर पर चलते हैं, निसर्गजन, और भी तरह के निसर्गजन होते हैं, दिव्यांग होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, कोई पोलियो हो जाता है, कोई एक पैर कट जाता है, क्या क्या नहीं होता है, उन सब कोई पेंशन मिलती है और उनमें दृढ़ विश्वास होता है जिंदगी जीने का। तो मुझे अभी 10 दिन तो हो गए हैं, अभी 10-15 दिन और लगेंगे मुझे, तो जितना ज़्यादा मुझे वक्त लग रहा है उतना ज़्यादा मैं दृढ़ हो रहा हूँ कि मुझे किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, दिव्यांगों की भी, बुजुर्गों की भी और एकल नारी की भी। तो मुझे खुशी है कि एक प्रोग्राम ये लीक से हट के प्रोग्राम है, आज करीब 50 लाख लोगों को एक साथ में, अभी आपके सामने जब DBT होगी तो आप देखेंगे कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। जो राजीव गांधी का सपना था कि देश 21वीं सदी में जाए, जहाँ साइंस में, तकनीकी के अंदर हम प्रगति करें, पहले कभी सोचा आपने मोबाइल फ़ोन आएंगे? पहले खाली पुलिस के पास में वायरलेस होते थे जो बात कर सकता था वो बिना तार के, अब आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से क्रांति होगी, देश दुनिया में बात कर सकते हैं आप लोग, जानकारी प्राप्त कर सकते हो उसके अंदर, दुनिया भर की जानकारी आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है। बच्चे जो है हमारे छोटे बच्चे, वो हमसे ज़्यादा होशियार हैं, उनको जो चाहे जानकारी आपको चाहिए किसी नेता के बारे में, 50 साल पहले कोई नेता कौन था वो मोबाइल पे ढूंढ के बता देगा आपको। वो क्रांति है आज देश के अंदर। उसी क्रांति के बदौलत अभी आपको जो पैसा ट्रांसफर होगा, अभी आपके बैंक में अभी पैसा नहीं है उसके अंदर खाते में, जो आज आपको मिलेगा
जून और जुलाई दोनों माह का मिलेगा। और जैसे ही अभी बटन दबाएंगे आपके देखते देखते 3-4 मिनट के अंदर अंदर, 3-4-5 मिनट लग सकते हैं, अंदर अंदर सबका पहले आपके सबके मोबाइल फ़ोन पे अभी इतना आ जाएगी कि आपको पैसा मिल गया। ये क्रांति है, ये क्रांति है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा, ये क्रांति आप समझ रहे हो उसी रूप में आप अपना व्यवहार बदलो। गाँव के अंदर भी शहरों में बदला लोगों ने, लोग समझ गए कि देश कहाँ जा रहा, दुनिया कहाँ जा, हम पीछे नहीं रह जाए, हमारे परिवार पीछे नहीं रह जाए, हमारे गांव पीछे नहीं रह जाए। तो हमने अंग्रेजी स्कूल खोले गांव के अंदर, अंग्रेजी स्कूल खोले। मुझे खुशी है कि गांव वालों ने अंग्रेजी स्कूल पढ़ाना बच्चों को स्वीकार किया। आज करीब 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश स्कूलों के अंदर, गाँव के अंदर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में फीस लगती 50,000-1 लाख रुपये और सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ाई हो रही है। 3 लाख से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश, पढ़ रहे हैं गांवों के अंदर भी। इस बात का हमें बहुत अच्छा लगता है। गांव वाले भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, समझ गए हैं हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो हमसे बेहतर हो सके। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। बाकी तो बातें मैं करूँ आज उतनी कम है, देखो क्योंकि विषय ऐसा है। इस विषय में आप देखिए, अभी मुझे मंत्री जी ने चार्ट दिया तो एक से बढ़ के एक स्कीम इस विभाग के अंदर भी है। सामाजिक सुरक्षा की है जिसमें अभी आपको मिल रहा पेंशन, पालनहार योजना है बच्चों के लिए जिनका लालन पोषण करते हैं उनको अलग से सरकार पैसा देती है पालने के लिए बच्चों को, कन्यादान अलग है, वृद्धाश्रम और बाल गृह अलग है, और निर्माण श्रमिक जो है, जो श्रमिक होते हैं मजदूर होते हैं निर्माण करने के लिए, उनके लिए अलग योजना बनाई हुई है। तो शिक्षा की अलग है, शिक्षा की अलग है, पोष अनाज की अलग है, इंदिरा रसोई योजना है तो 8 में खाना मिल रहा है अभी सब शहरों के अंदर, गांव में शुरू हो जाएगा। रोड का अलग स्कीम बनी हुई कई तरह की जिसमें हम लोग, आपको खुशी होगी अभी 14 तारीख को मैं शुरू कर रहा हूँ, असेंबली शुरू हो रही है 14 तारीख को, अब कानून ला रहे कानून जिससे कि आपकी जो पेंशन है ये पेंशन 15% बढ़ेगा प्रतिवर्ष। उसके साथ में ये कानून पास कर रहे हैं हम लोग कि बाद में कोई पेंशन रोक नहीं पाए, पेंशन और साथ में 15% प्रतिवर्ष बढ़ने का हिसाब कानून लगा कर रहे हैं, कानून पास कर रहे हैं असेंबली के अंदर, ये कानून ला रहे हैं, कानून बना के अच्छा इंजाम कर दें। और नरेगा जो है 100 दिन का रोजगार तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के वक्त में मिला है। नरेगा का 4 स्कीम बनी थी उस वक्त में, शिक्षा का अधिकार, नरेगा मिला आपको, बहुत बड़ा काम है नरेगा वाला गांव वालों के लिए। पहले अकाल चुके में क्या स्थिति बनती थी, अब आराम से कम 100 दिन का रोजगार मिलता है। हमने उसको 100 दिन बढ़ा के 25 दिन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी वो इंतजाम कर दिया है। और शहरों में नरेगा लागू कर दिया, देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य होगा जो शहरों के अंदर भी नरेगा की तरह काम मिलेगा। उसको मैंने 100 दिन का बढ़ा के 125 दिन किए हैं। ये जो गारंटी का कानून आ रहा है असेंबली के अंदर, इसमें भी किया है आप लोग पेंशन की बढ़ोतरी के साथ साथ में 100 की बजाय 125 दिन रोजगार गांव में और 125 दिन रोजगार शहरों गरीबों को मिलेगा, वो भी कानून का हिस्सा हो जाएगा। ये मिनिमम है, बाकी कोई सरकार की स्थिति ऐसी बनती है हो सकता आने वाले वक्त में वो पेंशन बढ़ जाए, कोई नहीं कह सकता है। तो कानून बना के कम से कम 1,000 रुपये से कोई कम नहीं कर सकता, 15% बढ़ोतरी होगी, ये हमने व्यवस्था करी कानून के अंतर्गत ला रहे हैं। इस प्रकार से कई योजना हमारे पास में हैं जो हम लोग अब अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो आपने 10 कार्ड देखे होंगे इसमें महंगे राज शिविरों के अंदर 10 में से 1 कार्ड था 25 लाख का बीमा। एक तो स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फीसअप फ्री है, पर साथ में अन्नपूर्णा पैकेट भी है उसके अंदर। जिनको राशन पे दुकान सामान मिलता है उनके लिए वो भी रखा है,
कि अन्नपूर्णा पैकेट देना, हम लोग प्रतिमा देंगे प्रति परिवार को, उन परिवारों को जो राशन की दुकान से सामग्री ले सकते हैं, उन्हें प्रतिमा एक किलो शक्कर, एक किलो दालें, एक किलो, एक लीटर आपका तेल, खाने पीने का नमक मसाले सब होंगे उसके अंदर। वो अन्नपूर्णा योजना नाम रखा उसका, वो भी आपको इस महीने के अंदर में 20-25 तारीख से हम कोशिश कर रहे हैं हर ज़िले में हर राशन की दुकान पे आपको पैकेट मिलने लग जाए फ्री के अंदर, जिससे कि महंगाई के वक्त में आपको राहत मिले, महंगाई के वक्त में राहत मिले। गेहूँ के अलावा, गेहूँ तो मिलेगा, और गेहूँ के अलावा भी हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था भी अन्नपूर्णा योजना में, कार्ड गारंटी कार्ड हम ले लिया, आप लोगों ने अधिकांश लोगों ने ले लिए हैं, नहीं लिया तो आप ले सकते हो। अभी तक भी कैंप चल रहे हैं कुछ जगहों पर, परमानेंट कैंप है वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक तरफ तो महंगाई का भयंकर मार है, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, और दस स्कीम लाए हैं अभी जो महंगाई राहत शिविरों में थी। एक तरफ सोशल सिक्योरिटी आपकी, ये कोई आप पे एहसान नहीं है, ये जो सरकार 1000 रुपये दे रही है ये एहसान नहीं कर रही आपको। जो राज करता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे संविधान की मूल भावना पढ़ लो आप, तभी डॉक्टर अम्बेडकर के वक्त से ही ये मूल भावना है कैसे सबको न्याय मिले। और तो और आप बताइए, जो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संगठन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कहता है सामरिक सुरक्षा का अर्थ सरकार द्वारा अपने नागरिकों को न्यूनतम आय उपलब्ध कराने का आश्वासन प्रदान करती है, जो किसी भी प्रकार के अनिश्चितता से व्यक्ति की रक्षा करती है। ये तो पीछे तो मजदूरों के लिए है कि न्यूनतम आय उनको प्रदान हो, उसके लिए है कि सामरिक सुरक्षा का अर्थ ये है। ये सरकारों का काम है कि समय समय पर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाए, ये इस प्रकार का काम करने की बात है। पर उसकी मूल भावना ये है, तमाम देशवासियों को, तमाम प्रदेशवासियों को जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार उनके परिवार का ध्यान रखे, ये सिक्योरिटी मिलना आवश्यक है। और ये बात मैं बार बार मोदी जी को भी रिक्वेस्ट लिख के भेजता हूँ लेटर, आप पूरे देश के गरीबों का, निःस्वजनों का, बुजुर्गों का, सबका ध्यान रखो, किस प्रकार से आप मंथली पैसा उनको मिल सके, 15 दिन में मिल सके, ये दुनिया के मुल्कों में है, नई बात नहीं है। ये हमारा प्रयास है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें। बाकी तो अब ये लोग कई बार कहते हैं कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, ये कहते हैं दिल्ली वाले हमारी सरकार है, उनका एक इंजन तो जगह जगह फेल हो रहा है। असली इंजन तो ये है कि हमारे यहाँ सिंगल इंजन की सरकार होते हुए भी हम वो काम कर रहे हैं देश के अंदर जो डबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही है, वो काम राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में जो स्कीम लाए हम लोग, इतना महंगाई की बात छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी बहुत स्कीम है, अभी वक्त नहीं कि बताएं आपको, आपको मालूम भी होगा इतनी स्कीमें लाए हैं, इतना विकास किया राजस्थान का, जो मांगा MLA ने, कॉलेज दे दो, तहसील दे दो, SDO ऑफिस दे दो, उप तहसील दो, नगर पालिका दो, सड़कें दो, जो मांगा मुझसे, मैंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कहा था। इतना काम बता दीजिए हिंदुस्तान में किस राज्य में हो रहा है, वो डबल इंजन फेल हो गए वहाँ तो सिंगल इंजन वाली सरकार जो है ज़्यादा सेफ है, आप निश्चिंत रहो, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। बाकी जो है अब तीर्थ यात्रा का हम आप लोगों बुजुर्गों को ये स्कीम मैंने शुरू करी थी, जब आपने मुझे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया तब मैंने 12-13 में योजना शुरू करी थी, उसमें एक साल में 41,390 लोगों मैंने भेजा था तीर्थ यात्रा में भेजा था। सरकार बदल गई, मैंने एक साल में भेजा 41,390, उन्होंने 5 साल में भेजा 47,000 लोगों को खाली पर। अब वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट आई है तो हमने कहा 2 लाख लोगों को 2 साल में भेजेंगे, मतलब लगभग 1 लाख के लगभग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग तीर्थ यात्रा करके आ जाएं, सभी तरह के धर्मों के लोगों की। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि सभी तरीके से जो हम कानून लेके आ रहे हैं उसका लाभ आने वाले वक्त में मिलेगा, हमारे कर्मचारी भी इस बार खुश हैं।
उनकी ओपीए लागू हो गई, आज ये एचएस का कार्ड मिल गया उनको। अब ये तो मैं आपको, अभी मंत्री जी ने कहा कि आपको अब कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ती पैसे, बहुओं से नहीं मांगना पड़ता है, बुजुर्गों को, बुजुर्ग महिलाओं को और पुरुषों को, घर में बहन बेटी सवासी आती है तो मांगना नहीं पड़ता, अभी मंत्री जी कह रहे थे। एक बात मैं और जोड़ देता हूँ, घर में जो पोते पोती होते हैं छोटे छोटे हैं, 5-6, 7 साल के, 8 साल के, वो भी दादा दादी के आगे भी नहीं फिरते हैं, दादा पानी लाओ, दादा खाना खाओ, जिससे कि मतलब दादा मुझे इनाम देंगे, 5 रुपये देंगे, 10 रुपये देंगे, आइसक्रीम खिला देंगे, तो छोटे बच्चे भी दादा दादी का ध्यान रखते हैं, तो सब तरीके से स्कीम शानदार रही है। मान सम्मान है ये आपका, ये पेंशन जो है घर में पूछ क्यों होती है, अभी अंतिथि कह रहे थे कि घर वाले हर भाई कहता मेरे घर पे रहे, इसलिए होती है, आप ध्यान दो के सुन लो, इसलिए घर में पूछ होती है कि घर में कहते ये सरकारी आदमी हो गया, ये सरकारी पेंशन ले रहा है, इसका मतलब अगर इनको हमने तंग किया, ध्यान नहीं रखा, तो सरकार इनके आके पक्ष में खड़ी हो जाएगी, सरकार का आदमी हो गया। इस प्रकार से एक सम्मान भी मिलता है पूरे परिवार में, घर के अंदर, ये बात है। कई सोच समझ गए हम लोगों ने, इतना आसान बना दिया पेंशन को, इसके कारण लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलती है, पहले 20 लाख लोगों को मिलती थी। ये दीपचंद खेरिया जी हमारे MLA हैं अलवर के, और ये जुली साहब अलवर के, इनको मालूम है कि हरियाणा में पेंशन ज़्यादा थी, इन्होंने मुझे बताया तो मैंने सब शर्तें हटा दी, तो 20 लाख सीधा 50 लाख पहुँच गए हम लोग पिछली बार, अब 1 करोड़ लोग लगभग हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हम लोग जो कुछ फैसले कर रहे हैं वो प्रदेशवासियों के हित में कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये जो बातें करते हैं यहाँ के बाहर से लोग, हमारे कई नेता लोग, डबल इंजन सिंगल इंजन की परवाह मत करना आप लोग, 5,000 लोगों को जो दिव्यांग है उनको स्कूटी दे रहे हैं हम लोग, जो करीब 60-70 हज़ार की स्कूटी होती है वो स्कूटी मिल रही है, 90 हज़ार की होती है, 90 हज़ार की स्कूटी जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको हम लोग दे रहे हैं, नौकरी में आरक्षण अलग दे रहे हैं, और स्मार्टफोन दे रहे हैं, जो 25 लाख का बीमा जो करवा रहा है उन तमाम परिवारों की महिलाओं को मुखिया बनाया गया है उसका, और 40 लाख महिलाओं को पहले एक साथ दे नहीं पा रहे हम लोग, जाती है बच्चे इस प्रकार कैटेगरी में जो निस्तग्जन बच्चे हैं उनको पहले लिया हम लोगों ने, वो 40 लाख है, 40 लाख महिलाओं बच्चियों को या महिलाओं को उनके घर में 5-7 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन, जो मैंने अभी आपको कहा कि दुनिया भर में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, वो फोन हम लोग अभी इस महीने में ही शुरू करने वाले हैं बांटना, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको, और 3 साल का इंटरनेट की सेवाएँ होती है उसके अंदर, 3 साल की इंटरनेट सेवाएँ फ्री मिलेगी उसके अंदर, हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं इससे। तो हमारा सपना है कि 2030 आए तब तक राजस्थान भी देश के अंदर जो दूसरे राज्य हमसे आगे बढ़े हुए पहले से ही, गुजरात के अंदर आज़ादी के पहले से ही बड़ी बड़ी मिलें थी वहाँ पर, आज़ादी के पहले से ही, ऐसे कई राज्य जहाँ पर बहुत आगे बढ़े वो लोग, हम चाहते राजस्थान को भी जिस स्पीड से हमने काम शुरू किया है उसके कारण से हम चाहते हैं कम से कम एक टारगेट लेके चलें 2030 तक राजस्थान में नंबर 1 राज्यों की श्रेणी में आ जाए देश के अंदर, ये हम चाहते हैं। तो बाकी तो 500 में सिलेंडर दे ही रहे हैं, उनका भी अभी 14 लाख बच्चों को, 14 लाख महिलाओं को दिया है 500 में सिलेंडर, अभी जल्दी हम लोग उनके लिए स्कीम ला रहे हैं, जो बाकी बच्चे हुए हैं उनको मिलेगा काम देनु योजना। आप समझ सकते हो कि लंपी रोग में जो गाय मर गई हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है, हमने एक गाय मर गई उसको 40 हज़ार रुपये दिए, एक गाय का 40 हज़ार रुपये दिए, कोई नई गाय खरीदे और अपना पशुपालन काम कर सके, ये किया। आगे आने वाले वक्त में गाय माता के लिए बीमा कर दिया है, गायों का भैंसों का बीमा कर दिया है, कोई मर जाती है तो उसको 40 हज़ार रुपये मिलेंगे, वो नया पशु खरीद सकता है अपने आजीविका के लिए, इस प्रकार से किया है।
यही बात कहते हैं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मुझे आज जो अभी आपने देखा जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट, ये हमने शुरू किया है कि कई बच्चे जो हैं या बुजुर्ग भी कोई भी जिनको शौक हो वो अपने कैमरे से फिल्म बना ले और उसको डाल दे हमारे दो सोशल मीडिया पर, तो उसको प्रतिरोज़ एक महीना तो चलेगा, प्रतिदिन पहला इनाम है 1,00,000 रुपये का, दूसरा इनाम 50,000 का है और तीसरा 25,000 रुपये का इनाम है, और इसके अलावा 100 लोगों को 1,000 रुपये का इनाम मिलेगा। इस प्रकार कल से जो है, जो अभी तक जिन्होंने डाल दिया है, कल से उनका इनाम घोषित होना शुरू हो जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा। इतना हो गया, कल से हो गया है। आप सभी वीडियो बनाएं, तो मैं कहना चाहूँगा प्रदेशवासियों को, आप भी भाग लें। इसका मकसद ये है इस योजना का, इसके माध्यम हम चाहते हैं कि हमारी स्कीमें जो है उसका लाभ हर गरीब तक पहुँचे। कई बार गरीब तक पहुँचता नहीं है, उसके अभाव में तकलीफ आती है तो उसको लाभ मिलता नहीं है। अभी परसों सीकर में बच्चा ही डूब गया, पड़ गया नाली के अंदर, मर गया बेचारा। पहले खबर आई कि चीनी योजना के अंदर ये परिवार है तो उनको 5,00,000 मिल जाते हैं। बाद में रात को मालूम पड़ा 12-1 बजे तो परिवार ने वो कार्ड नहीं बनवाया अपना। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोई नहीं मरे, पर मर जाते कई लोग। 10,000 लोग मरते प्रति वर्ष राजस्थान में, 2,50,000 लोग मरते प्रति देश के अंदर मर जाते हैं एक्सीडेंट से। हमने 5,00,000 बीमा कर रखा उसके अंदर, 25,00,000 का स्वास्थ्य का बीमा, 5,00,000 दुर्घटना बीमा भी है। कई ऐसी घटना होती है, बस दुख होता है कि ये लापरवाही के अभाव के अंदर इसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो यही बात आपने मुझे कहनी थी और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ पधारे हो। बहुत बहुत आपका, अभी मैं आपके जो लोग बैठे हैं इनमें 5-10-15 लोगों से मैं अभी बातचीत करूँगा आपके सामने। धन्यवाद आप सबका, बधाई आपको।